वीर्य पतन कैसे होता है और वीर्य पतन कितने दूर जाना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं। काफी यंग लोग मेरे पास में आते हैं, बोले कि हमारा पहले बहुत ज्यादा दूर तक गिरता था, वीर्यपात होता था, अभी बहुत पास में हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा शीघ्र पतन हो जाता है और जल्दी गिर जाता है, तो वो कंट्रोल में होना चाहिए ताकि शीघ्र पतन हो गया तो ना खुद को उसमें आनंद मिलता है ना अपने पार्टनर को आनंद मिलता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि वीर्य पतन कैसे होता है, वीर्यपात कैसे होता है, और वीर्यपात आपको यदि रोकना है उसको टाइम मतलब लगना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो पहले वो प्रोसेस समझना जरूरी है। जब वो स्पाइनल इजैकुलेशन सेंटर एक्साइट हो जाता है तो उस समय पूरे के पूरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि शुक्राणु जहाँ जमा रहते हैं उसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस। तो एपिडाइडेमिस से शुक्राणु का जो जर्नी है वो शुरू हो जाता है, यात्रा शुरू हो जाती है। एपिडाइडेमिस से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, वास डिफरेंस में शुक्राणु आते हैं, वास डिफरेंस में शुक्राणु आने के बाद में वो सेमिनल वेसिकल तक आते हैं, सेमिनल वेसिकल में और ज़्यादा उसमें नरिशिंग फ्लूइड उसके ऊपर बौछार उसके ऊपर की जाती है, वहाँ से सेमिनल वेसिकल के जरिए सफ़ेद रंग का जो स्त्राव तैयार हो जाता है वो आगे ढकेले जाता है, आगे प्रोस्टेट ग्लैंड में से और कॉपरस ग्लैंड में से भी कोई फ्लूइड उसमें मिल जाता है और ऐसा करके वो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जमा हो जाता है। तो पोस्टेरियर पार्ट में जमा होना उसको बोलते हैं एमिशन, मतलब वहाँ जमा हो गया। वहाँ जमा होने के बाद में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, मतलब वहाँ जमा हो गया, अभी आपके कंट्रोल में वो पतन है ही नहीं। तो यदि आपको कंट्रोल करना है तो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जमा होने के पहले ही एक्साइटमेंट कम होना जरूरी है। पोस्टेरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जमा हो गया उस समय क्या हो जाता है कि जो पेशाब की थैली उसका मुंह बंद हो जाता है ताकि ये जो अभी वीर्य है ये पेशाब की थैली में ना जाए, उसको तो बाहर निकलने का है, तो पेशाब की थैली का मुंह बंद हो जाएगा। एमिशन मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में वो जमा हो जाएगा वीर्य, और वहां से और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्नायु का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आकुंचन छोड़ना, आकुंचन पाना छोड़ना ऐसा हो जाता है। बल्बो कैवर्नोजस मसल्स है, वो मसल्स का आकुंचन पाना, कॉर्पस कैवर्नोजस मसल्स है, वो मसल्स का आकुंचन पाना छोड़ पकड़ होता है, और वहां से होता है एक्सपल्शन, मतलब लिंग के मुंह से बाहरी जो छेद रहता है वहां से वो बाहर फेंके जाता है। तो ऐसा उसका पूरा जर्नी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपिडाइडेमिस एक्साइटमेंट होने के बाद में एपिडाइडेमिस से निकलते हैं, वहां से वास डिफरेंस से निकल के सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल से निकल के प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड का उसमें सिक्रेशन होना, वहां से निकल के पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आना, और पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आने के बाद में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहां से फिर बाहर निकल जाना। उस समय एक प्रकार का बहुत आनंद मिलता है, अत्युच्च अवस्था होती है, आनंद की परिसीमा होती है, उसको ऑर्गेजम बोलते हैं, और वो बाहर निकलता है और वो कॉन्ट्रैक्शन छोड़ पकड़ ऐसे झटके झटके में वो बाहर आता है। अभी ये जो है ये यदि आपको लगता है कि नहीं जल्दी गिरना नहीं चाहिए तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जो जमा हो रहा है वो जमा होने के पहले उसको रोकना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि शीघ्र पतन नहीं होना चाहिए तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जो जमा हो गया है वहां से मतलब वो जमा होने के पहले उसको रोकना चाहिए। इसका मतलब जो हम स्क्विज टेक्निक आपको सिखाते हैं वो स्क्विज टेक्निक जब वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में आता है उसके पहले के स्टेज पे पेनिस को दबा के ढीला करना, और पेनिस को दबा के ढीला करके स्क्विज करके ढीला कर दिया तो वो जो वीर्य निकल रहा है और वहां पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में आ रहा है वो आएगा नहीं, क्योंकि वहां आने के बाद में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और फिर वो वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्विज टेक्निक का इस्तेमाल बहुत पहले करना है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पहले। ये हो गया पार्ट, इजैकुलेशन कैसे होता है, वीर्यपात कैसे होता है, वीर्यपतन कैसे होता है। अब आएगा सवाल कि भाई कितने दूर तक जाना चाहिए। क्या होता है, यंग एज जो है, यंग एज जवानी में वो जो झटके से बाहर आता है वीर्य वो करीब करीब 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर दूरी तक वो ऐसा दूर जाता है। झटके से बाहर जब आता है तो एकदम ऐसा बाहर निकलेगा, जोर से बाहर निकलेगा, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो बाहर निकलने का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि अंदर की मसल जो है वो वीक होती है। जैसे उम्र बढ़ जाएंगी वैसे वो झटके भी कम हो जाएंगे, झटके से जो बाहर निकलता है वो भी कम हो जाएगा और ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, वहीं के वहीं गिर जाएगा, फिर उससे मजा कम आती है। तो इसके लिए फिर हम बोलते हैं कि भाई कीगल्स एक्सरसाइज करो। कीगल्स एक्सरसाइज जो है वो आप करते हैं तो झटके में जो बाहर निकलता है उसमें भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, दूर तक बाहर जाएगा, फेंके जाएगा, मजा भी आएंगी, ऑर्गेजम का बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट आपको मिलेगा। तो कीगल्स एक्सरसाइज में क्या होता है, कीगल्स एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे, जब आप बैठे, इसमें भी मैं जैसा बैठा हूँ वहाँ बैठे हैं और अंदर के मसल्स को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते जैसे कि अपन
पेशाब और लेटरिन रोकते हैं तो वो जो मसल्स काम में आती है वैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट करके 10 तक गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पेशाब की जगह, जैसा पेशाब रोक रहे हैं लेटरिन रोक रहे हैं, फिर 10 तक गिनना फिर छोड़ देना। ऐसा सवेरे 10 बार करना है, दोपहर को 10 बार करना है, शाम को 10 बार करना है, ताकि जो मसल्स नीचे की है वो जरा ताकतवर बनेगी और फिर उसमें आपको जोर से जो बाहर आता है वीर्य वो जोर से बाहर आएगा, उसमें आपको मजा भी आएगा और शीघ्र पतन के लिए भी काम में आता है, आप रोक भी सकेंगे। तो ये जो है इजैकुलेशन, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, इजैकुलेशन इसके दो पार्ट हैं, एक है एमिशन, दूसरा है एक्सपल्शन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जमा होने के पहले ही उसको रोकना पड़ेगा स्क्वीज टेक्निक, उसके बाद में रोक नहीं सकते। और कीगल्स एक्सरसाइज से बहुत दूर तक हो जाएगा तो आपको मजा आएगा। तो ये आप सब जब करते हैं तो आपको ये जो प्रोसेस है सेक्स, इसमें समागम, इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि मेरे अनुभव से ऐसा है कि 100 में से 30 से लेके 60 लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको शीघ्र पतन की बीमारी है, जल्दी गिर जाता है, और शीघ्र पतन मतलब एक मिनट के पहले ही गिर जाता है। फिर उसके लिए हम दवा देते हैं, SSRI ग्रुप है, फिर PDE5 इनहिबिटर देते हैं, बेंजोडाइजेपिन देते हैं, साथ में स्क्वीज टेक्निक सिखाते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज सिखाते हैं, टैबलेट काउंसिलिंग करके ये पूरा का पूरा इलाज हम करवाते हैं। आपके यदि इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए फोन नंबर, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, वो फ्री वेबिनार्स में आप आइएगा। आपको दवा चाहिए तो दवा के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और आपके सेक्स लाइफ का आप आनंद ले सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक केळकर अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त और महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।